नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। करीमगंज जिले के पथारखंड विधानसभा केंद्र के बाजारीचौड़ा थानाधीन लोहाईपुआ बागन गांव पंचायत क्षेत्र में प्रिया बेगम नाम के स्कूली छात्रा को बलात्कार के बाद किया गया हत्या। पुलिस ड्यूटी मामले की छानबीन में इलाके में छाई तनाव के माहौल। बोरफला गांव पंचायत के रामपुर व जालतला गांव पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री की मन की बात सुनने के लिए वितरण किया गया रेडियो। 1980 साल में गठन किया गया था भाजपा सरकार। क्षेत्र के नरसिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मैदान में 17वां गांधी मेला व प्रदर्शनी का अनुष्ठानिक तौर पर भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री कविन्द्र प्रकाश ने किया उद्घाटन। उपस्थित रहे नगर पालिका विभाग के वरिष्ठ दिग्गज हस्तीगण। उदारवन क्षेत्र के सालकों का चंपाटीला इलाके के टिकल से बड़ी परिचालन शक्ति के उद्योग से 16वां हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ का अनुष्ठानिक तौर पर किया जाएगा उद्घाटन। पत्रकार सम्मेलन के जरिए दिया गया विस्तारित जानकारी। नशे में धुत ऑटो चालक को जब्त किए जाने के दौरान ट्रैफिक विभाग के कार्यकर्ता कमरुल इस्लाम को पहुंचा चोट। दर्ज किया गया एफआईआर, गिरफ्तार किया गया।